आप ये तय नहीं करेंगे कि ये आ क्यों रहा है धमकी, ये क्यों दे रहा है, बार बार है कौन, इसके पीछे क्या कारण है, हमें क्यों मारना चाहता है, कौन है मरवाने वाला, मरवाने वाला भी तो कोई होगा, इसको कौन ढूंढेंगे, मैं गलत हूँ या आप सच हैं, या आप गलत हैं या मैं सच हूँ। तो ये झूठ और सच की जिम्मेदारी आईबी है, रॉ है, इंटेलिजेंस है, आप मत दीजिए सुरक्षा, सुरक्षा कंगना को दीजिए, संदीप चौधरी को दीजिए, अन लोगों को दीजिए, लेकिन आप एक परिवार का दायित्व को तो निभाइएगा, आप जांच तो कीजिएगा, जनता के सामने लाइएगा। तो हम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इस देश के कानून और संविधान के लिए खड़े नहीं होते हैं? छोड़ दीजिए एमपी एमएलए चार बार पांच बार छह बार, कोई मान नहीं रखता, लेकिन एक इंसान तो हूं, क्या इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन सरकार नहीं करेगी? क्या जांच भी नहीं करेगी? ये लोग हैं कौन, इसकी भी बात नहीं लाएंगे? सही है या नहीं, गलत है, इसकी भी बात नहीं लाएंगे? मैं यही तो चाह रहा हूं, मारिए ना, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। सांसद जी, इसी तरह ये बताएं कि जिला प्रशासन के द्वारा आपको जो सुरक्षा मुहैया कराई गई वो काफी है? भैया आप उनसे पूछिए ना, मैं उनसे पूछ, कोई मतलब ही नहीं है, मैं कैसे बोलूं काफी है सही? ऊपर से नीचे जिसको जेट प्लस, जिसको जेट, जिसको उसके पूछिए, ये जो सरकार के साथ रहेंगे उनके नफरत मदद करेंगे, खोदो इंडिया में मदद करेंगे, जो देश को बांटने में मदद करेंगे, आप उनसे पूछिए। एक जानकारी ये भी कि जब आप झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नहीं कई बार, एक बार नहीं कई बार, यानी आपको चुनाव प्रचार सोरेन जी के पक्ष में ना करें? एक बार नहीं कई बार, वो सब चलिए, वो सब चिंता मत करिए, वो सब दायित्व है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं पैदा ही हुआ हूँ इंसानियत को बचाने के लिए, सच बोलने के लिए और नफरत को मिटाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।